हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं DFCCIL के बारे में। दोस्तों DFCCIL जो डिपार्टमेंट है उसका क्या उद्देश्य है, क्यों ये बनाया जा रहा है, क्यों ये ग्रोइंग पर है, क्यों इसमें जो ज्वाइनिंग है वो आपको लेनी चाहिए, और दोस्तों टोटल ओवरऑल हम DFCCIL के बारे में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, और ये कैसे वर्क करता है, क्या दोस्तों मेनली हम जानेंगे क्या DFCCIL डिपार्टमेंट के बनने की वजह से इंडियन रेलवे पर जो गुड्स ट्रेन है, जो मालगाड़ियां हैं वो चलना बंद हो जाएंगी क्या। तो दोस्तों इन्हीं सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। हम बात करते हैं DFCCIL के उद्देश्य की। दोस्तों DFCCIL का क्या उद्देश्य है? दोस्तों DFCCIL है वो आपको पता ही है कि इंडियन रेलवे का ही पार्ट है, इंडियन रेलवे का ही छोटा भाई है। तो दोस्तों इसको जो बनाया गया था तो वो दोस्तों बनाया गया है केवल और केवल इंडस्ट्रीज के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इंडस्ट्री नहीं दोस्तों, कोई भी अगर आपको अपना आपकी आपका एक कारखाना है वो उसका सामान आपको या देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजना है, उसके लिए आपको फास्ट डिलीवरी करनी है, तो दोस्तों उसी के लिए DFCCIL को बनाया गया है। दोस्तों DFCCIL वो है, वो दोस्तों अलग ही मॉडिफाइड डिपार्टमेंट है। मॉडिफाइड मतलब कि दोस्तों DFCCIL में जो ट्रेन चलने वाली हैं वो ट्रेन बहुत ही ज़्यादा अलग है जो कि इंडियन रेलवे की ट्रेन है। दोस्तों इंडियन रेलवे की जो आपने गुड्स ट्रेन देखी होंगी वो दोस्तों सिंगल ही ट्रेन होती है, वहाँ पर एक मंजिल आप कह सकते हैं, एक मंजिल सामान। और दोस्तों यहाँ पर जो है DFCCIL में वो आपको इस प्रकार की ट्रेन कुछ दिखने वाली है जो कि दोस्तों एक के ऊपर दो डिब्बे डबल वो कैरिडोर आपको ले जा वो ले जाएगी ट्रेन। और दोस्तों इसकी ट्रेन की जो खास बात एक और है दोस्तों, ये जो ट्रेन है वो 13,000 टन तक सामान को ले जा सकती है, इतना सामान एक ट्रेन। और दोस्तों इस ट्रेन की जो लंबाई है वो आपको 2 किलोमीटर मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से DFCCIL डिपार्टमेंट है वो दोस्तों इन स्पेशल ट्रेन्स को चलाने के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों इन स्पेशल ट्रेन्स को क्यों चलाया जा रहा है, दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटी सी नॉलेज दे दूं। दोस्तों ये हमारे देश में जो रेलवे है, रेलवे से जो इनकम आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी जो है रेलवे पर ही चलती है। तो दोस्तों रेलवे की जो इकोनॉमी है ना वो दोस्तों आपको 63% जो रेलवे की टोटल इनकम है उसका 63% कमा कर देती है गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी है दोस्तों गुड्स ट्रेन। लेकिन पर दोस्तों गुड्स ट्रेन को अगर आपको एक और उसकी खास बात है, उसको चलाने के लिए इतने ज़्यादा वर्कर्स, उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों इससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पर दोस्तों प्रॉफिट ज़्यादा लेने के लिए, प्रॉफिट के लिए इन ट्रेनों को चलना भी जरूरी है। अब दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट तो यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन पर दोस्तों ये पैसेंजर ट्रेन है, वो पैसेंजर ट्रेन इंडियन रेलवे की जब ट्रैक पर ये गाड़ियाँ चलती थी गुड्स ट्रेन, तो वहाँ पर पैसेंजर ट्रेन भी एक ही लाइन पर उसी रास्ते से पैसेंजर ट्रेन ही उसी रास्ते से गुड्स ट्रेन ही उसी रास्ते पर एक्सप्रेस, दोस्तों सभी गाड़ियाँ एक ही रास्ते पर चलती थी। तो अब दोस्तों एक टॉपिक ये भी आता है कि बहुत सारे भाई ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा DFCCIL डिपार्टमेंट है वो अगर बन गया तो सभी जो ट्रेन्स हैं क्या, जितनी भी हमारी मालगाड़ियाँ गुड्स ट्रेन है वो सभी DFCCIL ही चलाया करेगा, ये जो अपनी इंडियन रेलवे है वो नहीं चलाएगा क्या? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सभी को नहीं चलाएगा, केवल और केवल 70% ट्रेन्स जो हैं, 70% मेन ट्रेन जो हैं, जो कि बड़ी ट्रेन जो कि जिनका सामान इंपोर्टेंट है, जिन्हें जल्दी से सामान को भेजना होता है जितनी भी इंडस्ट्रीज को, तो वो ट्रेन्स हैं वो चलाई जाएंगी DFCCIL की पटरियों पर, DFCCIL के ट्रैकों पर उस डिपार्टमेंट के द्वारा। और 30% ट्रेन जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कभी भी पहुँच जाए वो सामान, और वो जल्दी एक छोटे से जैसे कि एक किसी शहर से 2-3 शहर छोड़कर जो उसको भेजना है सामान को, तो दोस्तों ऐसे सामान को भेजने के लिए इंडियन रेलवे का ही यूज किया जाएगा। इंडियन रेलवे की जो अभी ट्रेन चल रही है वो दोस्तों ट्रेन ही चलाई जाएंगी। अब तक दोस्तों बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी DFCCIL डिपार्टमेंट की। अब तक दोस्तों ये जो है हमारा जो भारत है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 इसके भाग हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो DFCCIL डिपार्टमेंट है वो दोस्तों वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया, पश्चिमी इंडिया और दोस्तों पूर्वी इंडिया में पूरी तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों पूरी तरीके से मतलब कि पूरा वेस्ट इंडिया में दोस्तों ये जो ट्रैक है वो बिछाए जा चुके हैं। दोस्तों कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत काम रह गया है, लेकिन और वेस्ट इंडिया में ये चल रही है, DFCCIL की जो ट्रेन है वो चल रही है, कहीं कहीं पर अभी काम चल रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया में भी ये ट्रेन चल रही है, वहाँ पर भी करीब 60% से ज़्यादा काम हो चुका है दोस्तों। इनमें जो DFCCIL की ट्रेन्स हैं वो चलाई जा रही हैं इस जो वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इतनी देश में ट्रेन्स को चलाना, इतनी जल्दी ट्रैक को बिछाना
कोई इतनी इतनी जल्दी तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर आप पटरी देखें ये सब बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों इसके लिए जो है वो दोस्तों अच्छी अच्छी मशीनों का यूज किया जा रहा है, मैन पावर का बहुत कम यूज किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट को बनाने में, और मशीन का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसी की वजह से दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है वो इतनी तेजी से बन रहा है, और दोस्तों इसमें न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है दोस्तों, मैन पावर को घटाने के लिए न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो एक्सेप्ट की जा रही है। इसके दोस्तों ट्रैक को बनाने में कुछ इस मशीन का यूज किया जा रहा है दोस्तों, इस मशीन से जो ट्रैक है वो दोस्तों काफी ज्यादा जल्दी से, बहुत ज्यादा ये ट्रैक को जल्दी से बना सकती है। और दोस्तों इसके जो ट्रैक हैं वो स्पेशल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेन है 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन और डबल कॉरिडोर की जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर चलनी है, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तभी वो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच पाएगी दोस्तों। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट है वो जल्दी से बना रहा है मशीन पावर का यूज कर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इंडियन रेलवे वर्सेस DFCCIL के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।